हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ और एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन कोर्सेज के एडमिट कार्ड आए हैं और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है, वहाँ से आपको एडमिशन के कॉलम पर जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको BHUonline.in वाले जो लिंक है रेड कलर का, उस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड UET के और PED के। अब दोस्तों, नीचे एक लाइन नज़र आ रही होगी आपको, एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल ऑन 14th, 15th, 16th एंड 17th हैव बीन अपलोडेड ऑन द पोर्टल। यानी 14 से लेकर 17 मई तक जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्ज़ाम 18 मई को या फिर उसके बाद होंगे उसके एडमिट कार्ड 11 मई यानी कि आज सैटरडे को रिलीज़ कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। आप जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था उसके पहले एग्ज़ाम डेट चेक कर लेंगे एडमिट कार्ड चेक करने से पहले। तो पहले आप वापसी बैग आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रीशेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो जो अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्सेज हैं जिनका एग्ज़ाम 14 से 17 मई तक होने वाला है उसको आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के एग्ज़ाम हैं 14 से 17 मई तक होने वाले हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो नए एडमिट कार्ड आए हैं वो है BA LLB के, BA ऑनर्स आर्ट्स के, सोशल साइंस के, इसके अलावा BSc ऑनर्स के, BFA के और यहाँ पर BEd वगैरह के भी जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जो रिवाइज शेड्यूल है एंट्रेंस टेस्ट की वो डाउनलोड कर लेनी है। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका 14 से 17 मई के बीच कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, जैसे यहाँ पर MFED हो गया, MSc हो गया, MA हो गया, MC हो गया। इसके अलावा 16 मई को आपका MA एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, MA इन इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा आपका मास्टर इन कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, MA इन सोशल, इसके अलावा MP मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, और आपके MA के अंदर अरबिक, बंगाली, हिंदी, मराठी, पर्शियन, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू वगैरह जो कि 18 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इनके दोस्तों, 18 मई वाला एग्ज़ाम है ये अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ आपके जो 16 मई को एग्ज़ाम है, 15 मई को, 14 मई को इन्हीं के एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं। 18 मई के एग्ज़ाम सैटरडे को आने की उम्मीद है, तो उसके लिए भी आपको चेक करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो 24 मई तक चलेंगे, तो 18 से 24 मई तक के जो एग्ज़ाम हैं उनके भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका एग्ज़ाम यदि 18 से 24 मई तक का है तो आपको वेट कर लेना है अपने एडमिट कार्ड के लिए। फिलहाल डाउनलोड करने का प्रोसीजर आपको पता ही होगा, आप एडमिट कार्ड वाले लिंक पर जाएंगे। यदि आप UET के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो UET वाले एडमिट कार्ड पर लिंक पर जाएंगे, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे email ID और रजिस्ट्रेशन आईडी आपके फॉर्म पर लिखी हुई होगी वो एंटर करनी है। उसको एंटर करने के बाद आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।